हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन, नहीं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा, अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा। आपकी क्रश तो आपको एक अपने लवर की तरह देखते हैं, तो वो क्रश क्यों है फिर आपके? आई डोंट नो, आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करिएगा कि मेरे व्यूवर के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने क्रश के बारे में सोचिए आप। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, ये आप जब भी आपके सामने आए आप क्लिक करेंगे, ये उसी टाइम आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। आपकी क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्रश आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आपकी फैमिली उनकी तरफ मूव नहीं करने देगी उनको। अगर वो आपको प्रपोज कर देते हैं, किसी रिलेशनशिप में आपके साथ आ जाते हैं, तो इस रिलेशनशिप के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा इल्यूजन है। उनको ऐसा लगता है आपका कास्ट डिफरेंस हो सकता है, आपका रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, या आपका कोई फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, उनकी और आपकी फैमिली के बीच। आपके क्रश यही सोचते हैं, वो कुछ ना कुछ ऑफ़र तो करना चाहते हैं आपको, लेकिन उनको ऐसा लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप उनको क्यों चूज़ करेंगे? उनके पास ऐसा क्या है जो आप उनको चूज़ करेंगे? ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप इनको जानते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफ के बारे में जानते हैं। आपके क्रश जो भी हैं, आप उन आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके कजन्स में हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपके और आपकी फैमिली के बारे में जानते हैं। उनको आपकी फैमिली का पता है, आपका पता है, आपके ऑप्शंस तक का पता है, तो वो आपको जानते ज़रूर हैं। उनको पता है कि आगे जाके इन सब चीज़ों को एंड हो जाना है। वो पहले ही अपने माइंड में एक इसका एंड डिसाइड कर लेते हैं, वो कुछ ऑफ़र करने से पहले, क्योंकि उनको लगता है फैमिली प्रॉब्लम बनेगी आगे जाके, इक्वली बैलेंस नहीं कर सकेंगे वो, क्योंकि कोई डिफरेंस है आप दोनों के बीच, या तो कास्ट डिफरेंस है, या तो कोई रिलीजियस डिफरेंस है, या तो आपको कोई फाइनेंशियल डिफरेंस है। उनके उनके पास आपके लिए कप ऑफ लव है ज़रूर, लेकिन वो एक वो दे नहीं रहे, वो कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है, वो कंट्रोल करके रखे हुए हैं इन सब चीज़ों को काफ़ी टाइम से, क्योंकि उनको लगता है ये सब चीज़ें एक एंड हो जाएंगी। फाइव ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट आएगी, ये सब कुछ एंड हो जाएगा। वो अपने कप को बास टाइम देखते रहते हैं, वो सोचते हैं कि आपसे बात की जाए, आपको ये कप दिया जाए, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग आपकी, क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो ये चीज़ें एंड हो जाएंगी। वो मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं, एक कप ऑफ लव ज़रूर देना चाहते हैं। रात स्लीपलेस नाइट होती है, वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऑफर करना चाहते हैं, वो होपफुल हैं इन सब चीज़ों के बारे में। वो अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हो सकते हैं, अपनी लाइफ के लिए वो कुछ काम कर रहे हो सकते हैं, वो कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये लव ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, लेकिन उनका सोसाइटी इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, उनको पहले ही ऐसा लगता है ये चीज़ें शुरू होने से पहले ही एंड हो जाएंगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कंट्रोलिंग इशू है उनको, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, वो ये कप ऑफ लव आपको दे नहीं पाते। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके लिए, वो उस रिलेशनशिप को एक बैलेंस फॉर्म में लाना चाहते हैं, इक्वली बैलेंस। उनको लगता है कि ये बैलेंस कैसे होगा, उनके और आपकी फैमिली के बीच इतने डिफरेंसेस हैं, ये बैलेंस कैसे आएगा? आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं?
कुछ ना कुछ वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। वो आपकी क्रश आपकी फैमिली मेंबर्स से हो सकते हैं, कोई कजन्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान है आपके जो आप पे क्रश रखता है, वो आपको जानता है, आपका फ्रेंड सर्कल में हो सकता है वो, क्योंकि वो आपको जानते हैं, उनको पता है आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ये करियर वाइज ऑप्शन हो सकते हैं या तो ये लव ऑप्शंस हो सकते हैं आपके, लेकिन उनको ये इस बात का पता है कि ऑप्शंस हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसीरियन हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिनको आपको जिन पे क्रश है उनको भी क्रश है लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे। दी एम्परर, उनको एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत इशू है। कप ऑफ लव वो आपको देना चाहते हैं, कोई ना कोई ऑफर वो आपको ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये सब चीज़ें सिर्फ यहीं तक रह जाएंगी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वो पहले ही इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले एंड उसका सोच लेते हैं। उनको ऐसा लगता है ये सब चीज़ें आगे नहीं जा सकती, वो मेंटली स्टक हो जाते हैं इन सब चीज़ों का सोच कर। वो अपने कप को देखते हैं कि आपको ऑफ़र करना चाहिए, वो ओवरफ्लोइंग उनका कप है, उनका लव ओवरफ्लो है, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं। वो बहुत ईगोइस्टिक आपको बाई फेस लग सकते हैं, कम बोलने वाले हो सकते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है आपके क्रश। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें। वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, वो अपने कैरियर पे इस वक्त वर्क कर रहे हैं ताकि वो आगे एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर सकें आपके साथ, कुछ ना कुछ आपको फ्यूचर में दे सकें आपको। आपके क्रश की फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उनका माइंड इन सब चीज़ों को स्टार्ट लेने से पहले एंड सोच लेता है। वो प्रैक्टिकल हो सकते हैं, वो कोई ऐसे पर्सन नहीं है, वो एक एम्परर फॉर्म में है। इतना कुछ कोई एक पेंटिकल या एक छोटे पेज वाला पर्सन नहीं हो सकता, वो मिच्योर हैं। एज डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, आपका फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं जिसको उनको ऐसा लगता है उनकी ईगो पे बात आ जाएगी, उनके सेल्फ पे बात आ जाएगी। वो आपको लव तो ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनको उनकी ईगो हर्ट ना हो जाए, क्योंकि वो मेंटली स्टक हैं। वो अपने कप को देखते हैं, वो चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन करें, वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सक्सेस की तरफ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। वो बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं आपके, वो अपने आप में कुछ उनका है, उनको ऐसा लगता है कि इतना इनफ मनी होना चाहिए कि कोई चीज़ मुश्किल ना रहे, हर चीज़ आसान हो जाए, हर चीज़ पे विक्ट्री हासिल हो जाए। वो अपने कैरियर पे इस वक्त वर्क कर रहे हो सकते हैं आपके पर्सन, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। आप दोनों ऐसा हो सकता है कि चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हो, पास्ट से जानते हो। वो विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं इस वक्त, वो अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं ताकि वो एक बेहतर फ्यूचर आपको दे सकें, बेहतर मुस्तकबिल दे सकें, ताकि अगर वो कोई आपके लिए प्रपोजल भी रखते हैं तो कोई रुकावट ना आए। आपके क्रश थोड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मेंटली फिजिकली कुछ अट्रैक्टिव पर्सन है, उनके पास भी ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन वो कुछ मैच्योर टाइप पर्सन है। अपने वो ज़रूरी फैसले, ज़रूरी चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि ये चीज़ उनकी नज़र में आप हैं। वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है इससे पहले उनको करियर पे काम करना चाहिए, उनको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, इस काबिल बनना चाहिए कि कोई ऑफ़र दे तो कोई मना ना कर सके, आप मना ना कर सकें, आपकी फैमिली ना मना कर सके। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब का भी। थैंक यू।